Hello dear students, welcome again in my channel. Again I am here with a very interesting topic, that is movement in plants. So today we are going to discuss about movement in plants. I think you all know plants do not show locomotion. So this is a very important question. If they don't locomote from one place to another, how they get their food? So they are autotrophs, I think you all know students. So, आपको मैं बता दूं, they are rooted to one place. All the plants, they are rooted to one place. और plants do show movement in response to external stimuli. सर कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है अगर, they show movement. Then plant shows movement. And they exhibit growth movement. और plants अपने growth movement को exhibit करते हैं, जैसे कि जब plant movement करेंगे तो यहाँ पे कुछ growth movements होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ growth movements कैसे होंगे, like bending, coiling, twisting. And elongation. और ये जो movements होते हैं students, ये बहुत slow movement है और कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे घंटे लग जाते हैं इन movements के लिए और significant enough है कि plant में हमको ये देखने को मिले. So these movements, ये जो movements हैं plant में, they may be temporary और they may be permanent. They may be temporary और they may be परमानेंट. सो प्लांट मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिगार्डिंग, कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज. दो तरीके के होंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं जहां पे ट्रॉपिज्म शो होगी, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिज्म एंड दीज आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स. थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको स्टूडेंट्स इस वीडियो में बताना चाहूंगी कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं. दे आर ऑलवेज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. या तो टूवर्ड्स होंगे और अवे फ्रॉम स्टिमुलस. और हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म. तो मैं वन बाय वन सारे ट्रॉपिक मूवमेंट को बताऊंगी आपको. और नास्टिक मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं. इनका कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. और यहाँ पे दो कैटेगरी आएंगी, एक तो आ जाएगी फोटोनास्टी जो कि रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी, और दूसरा हो जाएगा हैप्टोनास्टी, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू टच. टच के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम लोग हैप्टोनास्टी बोलेंगे. तो ट्रॉपिक मूवमेंट अगर प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के हैं. जैसे कि आपको मैंने बताया, लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा तो जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म किसको बोलेंगे, अगर रिस्पॉन्स वॉटर के अगेंस्ट आ रहा है तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और अगर किसी कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है देन दे आर कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, और अगर केमिकल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है देन इन दैट कंडीशन दे विल कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म. तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें, तो मैं वन बाय वन आपको विद एग्जाम्पल, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ट्रॉपिक मूवमेंट पे और एक मैं सेपरेट बनाऊंगी नास्टिक मूवमेंट पे, और उसी में मैं आपको ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उस वीडियो में मैं वो भी बता दूंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. आई होप वी विल मीट सून. थैंक यू.